तो फ्रेंड्स, दिस इज़ आराध्या प्याली। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि आप कैसे किसी वीडियो क्लिप को फास्ट या स्लो मोशन इफेक्ट दे सकते हो। मैंने ये वीडियो यहाँ इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये वीडियो आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ कि अभी इस वीडियो में कोई भी इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक बाइकिंग वीडियो है और बाइकर इस वीडियो में नॉर्मल रेट से ही बाइकिंग कर रहे हैं। तो पहले हम कर्सर को एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लिक ले आते हैं। अब मैं वीडियो को सिलेक्ट कर रही हूँ बाय क्लिकिंग ऑन द वीडियो एंड राइट क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे हम टाइम में जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है नॉर्मल, फास्ट एंड स्लो। नॉर्मल में जो फॉरवर्ड ऑप्शन है उसमें है 1x। 1x का मतलब है कि वीडियो आपका सेम स्पीड में ही चलेगा। ये देखिए, वीडियो में कोई चेंज नहीं है। वीडियो की स्पीड में वीडियो नॉर्मल स्पीड में ही चल रहा है। अब मैं नॉर्मल में बैकवर्ड में आपको वीडियो प्ले करके दिखा रही हूँ। बैकवर्ड 1x में यहाँ पे वीडियो बैकवर्ड से चलेगा और लेकिन वीडियो की स्पीड सेम रहेगी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कितना फनी हो गया है। यहाँ पे सब कुछ बैकवर्ड्स से शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, हमने बैकवर्ड करना सीखा। अब चलिए वीडियो में हम स्लो या फास्ट मोशन का इफेक्ट देते हैं। हम चलेंगे टाइम में, फास्ट में, फास्ट फॉरवर्ड में। अगर हम 2x करते हैं तो इसका मतलब होता है कि डबल स्पीड हो जाएगी। 4x का मतलब है 4 times स्पीड हो जाएगा। 8x का मतलब है स्पीड जो है वीडियो की वो 8 times हो जाएगी। और 16x का 16 times स्पीड बढ़ जाएगी वीडियो की। तो हम फ्रेंड्स पहले 2x में करते हैं। आप अगर यहाँ देखिए, डबल स्पीड करते साथ ही वीडियो का जो लेंथ था वो कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसकी डबल हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्पीड कितनी हमारी बढ़ गई है। हम 4 times भी करके देखते हैं एक बार। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई इफेक्ट देते हैं उसके पहले हमें जो पहले वाला इफेक्ट है उसको रिमूव करना है। उसको हम अंडू करके भी रिमूव कर सकते हैं या हम टाइम में जाके रीसेट कर सकते हैं। हम फास्ट में इसको 4 times करके देखते हैं। ये देखिए, इसकी लेंथ भी 4 time कम हो गई है। और प्ले करके देखते हैं। ये देखिए वीडियो कितनी फास्ट जा रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फास्ट में फॉरवर्ड किया था, हम वैसे ही फास्ट में बैकवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकवर्ड वीडियो चलेगा लेकिन स्पीड उसकी डबल हो जाएगी अगर हम 2x प्रेस करेंगे। 4x हो जाएगी अगर हम 4x प्रेस करेंगे। हम डबल प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो डबल स्पीड से बैकवर्ड से शुरू हुआ है। ये देखिए, सारे बाइकर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे वीडियो में स्लो इफेक्ट करके देखते हैं। पर हम स्लो फॉरवर्ड करते हैं। ये 1.5x का मतलब है डबल। ये देखिए, हमारा वीडियो का लेंथ भी किस तरीके से डबल हो गया है।
वीडियो का लेंथ जो 30 सेकेंड का था वो करीब करीब 1 मिनट का हो गया है। अगर हम इसको प्ले करेंगे, हमारी वीडियो का जो नॉर्मल स्पीड था उससे ये डबल स्लो हो गया है। अगर मैं स्लो में 1/4x करती हूँ तो देखिए हमारे वीडियो का लेंथ कितना ज़्यादा लंबा हो गया है। और चला के देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो 4 टाइम्स स्लो हो गया है। ओपन शॉट में बहुत इजी तरीके से आप फास्ट फॉरवर्ड या स्लो मोशन इफेक्ट दे सकते हैं। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले दिखे। थैंक यू।